यानी जब पृथ्वीराज चौहान अजमेर युद्ध में बैठा था उसके बाद में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था उसे, और सबसे पहली चुनौती अपनी आंतरिक ग्रह कलेश था जो नागार्जुन ने उत्पन्न किया था। यानी पृथ्वीराज चौहान का चचेरा भाई था कौन? नागार्जुन। उसने उत्पन्न किया था आंतरिक ग्रह कलेश। और क्या किया था? क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र गुड़गांव पर अधिकार किया था नागार्जुन ने, उसका दमन किया 1178 में। किसने? पृथ्वीराज चौहान। और उसके बाद में आसपास के क्षेत्रों पर जो नीति अपनाई थी पृथ्वीराज चौहान ने, वो नीति थी दिग्विजय की। और दिग्विजय की नीति के दौरान उसने कई आसपास के राजाओं को, कईयों को परास्त किया। उनमें से एक था महोबा, और महोबा में उस समय थे चंदे, और चंदेलों का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था परमारधी देव चंदे। अब इसके पीछे चंदेलों के पीछे और चौहानों के बीच संघर्ष की जो कहानी थी वो ऐसी बताई जाती है, जो रीजन था प्रमुख वो ये बताया जाता है कि एक बार पृथ्वीराज की सेना दिल्ली से कोई युद्ध लड़के आ रही थी, वापस लौट रही थी। लौटती हुई सेना के घायल सैनिकों को परमारधी देव चंदेल ने पकड़ा और उनकी हत्या कर दी। जब बात पता चली किसको? पृथ्वीराज चौहान को। बात पता चली पृथ्वीराज चौहान को कि कोई चंदेलों का कोई राजा है परमारधी देव चंदेल। उसने अपने सैनिकों को, घायल सैनिकों को मोतीघाट उतार दिया। अजमेर से सेना लेकर रवाना हुआ पृथ्वीराज चौहान। और एक जगह पड़ती है हरियाणा के पास में, जो जगह थी उसका नाम है नारायणा या नारायणा। ये जगह पड़ती है हरियाणा के आसपास। वहां पर जाकर अपनी सेना रोकी, सेना को कहा, वह सेना तैयार की और कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। और दोनों के बीच में जब सेना का पड़ाव डाला, परमारदेव चंदेल ने नारायण नामक स्थान पर बात पहुंची परमारदेव चंदेल के पास, और घबरा गया पूरी तरह से। इससे पहले इसके दो सेनापति हुआ करते परमारदेव चंदेल के, जिनमें से थे बड़े वीर सेनापति थे, जिनका नाम था एक का आला और दूसरा था उदल। बड़े वीर थे ये, किसी कारणवश परमारदेव चंदेल से रूठ कर ये पहुंच चुके थे पास में ही एक स्थित क्षेत्र जिसका नाम था कन्नौज। और कन्नौज में जो वंश शासन कर रहा था वो था गहड़वाल वंश। इस वंश का कोई राजा था जिसका नाम था जयचंद गहड़वाल। समझ गए मेरी बात को? इस गहड़वाल की, कन्नौज में जो गहड़वाल वंश की स्थापना की थी वो था कोई नाम उसका चंद्रदेव। इस चंद्रदेव ने कन्नौज में गहड़वाल की वंश की स्थापना की थी। यानी गहड़वाल वंश का संस्थापक माना जाता कौन? चंद्रदेव। और उसी के वंश में एक राजा बना था कौन? जब पृथ्वीराज चौहान अजमेर में है उस समय यहां कन्नौज में कौन है? जयचंद गहड़वाल। इसके पास जाकर रहने लगे कौन? जब ऐसा कहा जाता है इतिहास में देखने को मिलता है कि एक बार परमारदेव चंदेल ने आला और उदल से, इनके दो कोई बड़े नस्ल के घोड़े थे इनके, वो मांगे थे इससे, उन्होंने देने से मना कर दिया था। कहा था कि आला और उदल ये तुम्हारे घोड़े मुझे पसंद आए, ये घोड़े मुझे दे दो। बोले ठाकुर ये घोड़े मुझे दे दो। बोले आज देना कल दे, ना तो घोड़े दे ना ही घोड़े दे। और नाराज होकर लौट गए, कहा जयचंद गहड़वाल। जब इसको परमारदेव चंदेल को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर का शासक है वो अपने ऊपर आकर, यानी अपने पास के ही क्षेत्र में आकर डेरा डाला हुआ है, तो ये गलती कर बैठा था कौन? परमारदेव चंदेल। पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को मार, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। यानी बाद में इनको मनाने गया था, आला उदल को वापस लेने गया था जब कन्नौज से, तो इनको हवाला दिया गया अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। कहा कि तुम्हारी मातृभूमि आज मुसीबत में है, बोले चलो वापस। जब इन्होंने मना किया तो ये लौट आए अपनी मां के कहने पर वापस, की तुम्हारी मातृभूमि आज खतरे में, तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और वापस आ गए, और पृथ्वीराज चौहान और परमारदेव चंदेल के बीच में एक युद्ध हुआ। और कब हुआ? यानी महोबा के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता है तुमुल, क्षेत्र पड़ता है तुमुल, मैदान है एक तुमुल का। वहां पर दोनों के बीच में 1182 के अंतर्गत एक युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में परमारदेव चंदेल हाथों में जूते चप्पल लेकर मैदान छोड़कर भाग गया। जब मैदान छोड़कर भाग गया, लेकिन उसके दोनों वीर सेनापति आला और उदल बड़ी वीरता के साथ लड़े थे इस युद्ध में, और लड़ते हुए ही मारे गए दोनों। वो मारे गए आला और उदल।
के सेनापति थे वो दोनों मारे गए। वीर टक्सा लड़े पृथ्वीराज चौहान के साथ में और लड़ते हुए मारे गए। इनकी वीरता के बारे में एक इतिहासकार है विदेशी जिसने इनको लड़ते हुए देखा बताया, वो कहता है कि वास्तव में यह बात सही है कि 12 वर्ष उत्तर जिए 13 वर्ष याद, वर्ष 18 सुप्रिय जिए बाकी जीवन दिक्कत। कि हमेशा कुत्ता 12 साल ही जीता है, यानी कुत्ते की उम्र 12 साल ही होती है, और 13 वर्ष सियार जीता है वो, और क्षत्रिय जो वीर होता है वो हमेशा 18 साल जीता है, बाकी का जीवन तो उसका बेकार। ऐसी बात कही किसने? एक विदेशी इतिहासकार जिसका नाम है जर्नी। किसने कही थी? अगर आपसे एग्जाम में पूछे ये पंक्तियां देकर पूछे, कई बार पूछी गई है कि किसके लिए कही गई, तो जवाब होगा आला और उदल के लिए। किसने कही? तो जवाब होगा जर्नी के द्वारा कही। इस युद्ध में प्रमाद देव चंदेल की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, यानी अपना सैनिकों का बदला लिया और महोबा पर अधिकार छीन लिया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। इसी युद्ध को यानी तुमुल के मैदान में लड़े जाने के कारण इस युद्ध को तुमुल का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कब लड़ा गया था 1182। अब आपसे पूछेगा कि प्रश्न की पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों का दमन कब किया, तो जवाब होगा 1182, ठीक है ना। इसके बाद में अधिकार करने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने इस महोबा क्षेत्र को यानी महोबा क्षेत्र पर अपना एक प्रशासन नियुक्त किया था अधिकार क्षेत्र में लेकर, उसका नाम बहुत बार पूछता है, यानी महोबा सौंपा था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने अपने एक ही व्यक्ति जिसका नाम है पंजुन राय, यानी महोबा का प्रशासक नियुक्त किया था पृथ्वीराज चौहान ने पंजुन राय या पुंजन राय। ध्यान रखना यह प्रश्न बहुत बार आता रहता है, किसको नियुक्त किया था? तो पूछे तो पुंजन राय को नियुक्त। यानी 1182 में अपनी दिग्विजय की नीति के तहत महोबा पर अधिकार कर लिया किसने? पृथ्वीराज चौहान। तो इस तरह से यानी वीर सेनापति थे किसके प्रमाण दिया चंदेल पान आला और उदल जो मारे गए थे इस युद्ध के अंदर, कौन से युद्ध में? महोबा के युद्ध में या तुमुल के युद्ध में। अब देखो स्थिति क्या है, अपने पास के इलाके में पड़ रहा है एक क्षेत्र जिसका नाम है गुजरात, और गुजरात में एक शासक था जिसका नाम था कौन सा वंश का? चालुक्य वंश का एक शासक था जिसका नाम था भीमदेव सिंह। अब पृथ्वीराज चौहान तो अजमेर में है, इसके बीच में जो प्रमुख रीजन बताए जाते हैं संघर्ष के, लड़ाई के कारण बताए जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है, यानी दोनों के बीच में हर चीज के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है, कारण होता है। अब ऐसे ही तो पृथ्वीराज चौहान को इसको इच्छा नहीं हुई कि चलो लड़ने चलते हैं, कोई तो कारण होगा किसी न किसी चीज का, क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ न कुछ कारण हुआ करता है। एक कारण बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में क्या कारण रहा ऐसा कि दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी, वो कारण देखो। सबसे पहले एक रीजन आता है जिसका नाम है दोनों शासक अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखते थे, और हर राजा रखता है यही नहीं, हर राजा यह चाहता है कि मेरा साम्राज्य क्या हो? सबसे ज्यादा हो, यानी विस्तारवादी की नीति के तहत दोनों के अंतर्गत लड़ाइयां हुई थी। यानी मैं यूं कहूं कि साम्राज्यवादी वादी नीति, एक तो यह रीजन हुआ दोनों की साम्राज्यवादी नीति, दोनों की साम्राज्यवादी नीति के तहत लड़ाइयां हुई थी, संघर्ष हुआ था या संघर्ष की शुरुआत हुई थी। दूसरा रीजन यह आता है कि आपको पीछे बताया था मैंने, इसी भीमदेव सेकंड ने पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे नाम क्या था? सोमेश। 1177 में जब आबू के नरेश जेत्र सिंह के साथ युद्ध हुआ था भीमदेव और जेत्र सिंह के बीच में, उसमें सहयोग करने गया था सोमेश्वर जो पृथ्वीराज चौहान के पिता हुआ था। उसी युद्ध में मौका पाकर इसी भीमदेव ने क्या की थी, पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की हत्या की, कब की थी? 1177। पृथ्वीराज चौहान के दिमाग में थोड़ी सी ये ठीस थी कि तूने मेरे यानी गुजरात के भीमदेव ने मेरे पिता की हत्या की थी, उसका बदला लेना चाह रहा था कौन? पृथ्वीराज चौहान। एक रीजन ये था। दूसरा रीजन यह है यानी अपने यानी दोनों के बीच में संघर्ष की कहानियां चल रही है, बात चल रही है कि दोनों के बीच लड़ाई की वजह क्या थी, क्यों लड़ पड़े दोनों आपस में। एक क्षेत्र पड़ता है सिरोही के अंतर्गत जिसका नाम है आबू, और आबू के एक पीछे बताया मैंने जेत्र सिंह शासक हुआ करता यहां आबू का, इसकी एक यानी आबू का शासक कौन था? जेत्र सिंह जिसको सड़क के नाम से भी जाना जाता है, इसकी एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम है इच्छनी देवी। अभी इसका और इसकी
महत्वपूर्ण रीजन बना इच्छनी देवी। वो कैसे बनी? क्योंकि एक बार भीम जो गुजरात दशरथ था, भीमदेव, ये इच्छनी देवी से विवाह करना चाहता था। किसे? इच्छनी देवी से। एक बार मिल गए होंगे, सही देख लिया होगा मैंने और मुस्का दिया होगा तो ये पगड़ से भी डूब बैठा। कौन? भीमदेव से की है ना। कईयों के साथ होता भी ऐसा, ये तो सोचा कि ये हमसे प्रेम करने लगी है, लेकिन इसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि हंसना हर लड़की की एक अदा होती है, लेकिन जो इसको प्यार समझ बैठे वो गदा है। हंसना तो हर लड़की की एक अदा होती है और जो इसको प्यार समझे वो गदा है। अगर बदबाज की तरह उठना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। यानी गर्भ में डूब बैठा ये इससे विवाह करना चाहता था, किससे? इच्छनी देवी से। लेकिन इसका कर्ज तो कुछ अलग ही था, इसको तो पता भी नहीं था कि गुजरात का सदर भीमदेव मेरे से कुछ इस तरह की सोच रखता मेरे प्रति, और मैं कह भी नहीं पाया, इजहार भी नहीं कर पाया। दोनों का वन साइड था, दोनों का वन साइड में, इसको पता भी नहीं था कि भीमदेव सेकंड मेरे बारे में ऐसा सोचता है, क्योंकि इच्छनी देवी का कर्ज तो कुछ अलग ही नजर आ रहा था। वो तो किसको जा रही थी? पृथ्वीराज चौहान। जब पृथ्वीराज चौहान ने इच्छनी देवी के साथ विवाह कर लिया तो भाई साहब क्या हुए? नाराज हुए। नाराज तो होगा ना, अरे अपने गुलाब जामुन को कोई दूसरा ले जाए तो थोड़ा गुस्सा तो महसूस होता ही ना, दिमाग तो थोड़ा अपसेट होता ही ना। इसी तरह से अपसेट था किसका? इसी तरह अपसेट था दिमाग किसका? भीमदेव से। ये तो एक ही बात देखो, क्या बोले? अन्याय हो गया इसके सामने ना, विवाह कर ले गया कौन? भीमदेव पूरे दिन एक ही बात गुनगुनाता रहता था, क्या? बोले तू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता कोई और, है ना। तो इस वजह से कारण बना कौन? इच्छनी देवी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य विवाद। ये कारण बना, रीजन बना, जब पृथ्वीराज चौहान इच्छनी देवी से विवाह करके दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हुई, और दोनों के एक महत्वपूर्ण कारण और नजर आता है पृथ्वीराज चौहान और गुजरात के शासक भीमदेव के पीछे। सबसे महत्वपूर्ण कारण था पिता सोमेश्वर की हत्या करना 1177 में, किसके द्वारा? भीमदेव से। सुनो मेरी बात, एक बार एक रीजन और आता है नजर। इस भीमदेव ने एक क्षेत्र का जिसका नाम था नागौर, इस नागौर जो पृथ्वीराज के अंडर में रहा करता था, ये नागौर क्षेत्र किसके अंडर में आता था? पृथ्वीराज चौहान के अंडर में आता था। लेकिन हुआ क्या कि भीमदेव सेकंड ने इस नागौर पर अधिकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि भीमदेव और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कई बार लड़ाई हुई थी, यानी संघर्ष 1184 से लेकर 87 के बीच कई बार युद्ध हुए। किसके बीच में? यानी एक तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेज कौन? भीमदेव सेकंड के बीच कई बार लड़ाई हुई, और भीमदेव सेकंड ने पृथ्वीराज चौहान के एक क्षेत्र जिसका नाम है नागौर, इस पर अधिकार किया। यह भी एक रीजन माना जाता है। जब बात पता चली थी तो 1184 में दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। कब हुआ? 1184 में दोनों के बीच एक युद्ध हुआ। किसके बीच में? पृथ्वीराज वर्सेज भीमदेव, भीमदेव के बीच में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में ना तो जीत पाया और ना ही हारा। मैंने अभी कहा 1184 से लेकर 87 तक दोनों के बीच में बहुत बार लड़ाई हुई, लेकिन निर्णय नहीं निकल पा रहा था। बाद में क्या हुआ कि भीमदेव का एक सेनापति था जो प्रधानमंत्री के पद पर भी तैनात था, नाम है जगदेव, जगदेव प्रतिहार, जगदेव प्रतिहार। इसके मध्यस्थता से दोनों के बीच में, किसके बीच में? इन भीमदेव और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या हुई? संधि हुई। संधि हुई किसने करवाई? कब हुई? 1187 में यह संधि हुई दोनों के बीच में, और नागौर का प्रगना जो पहले पृथ्वीराज चौहान के पास हुआ करता वो उसको वापस लौटा दिया। इस तरह चालुक्य यानी गुजरात के चालुक्य वंश और चौहान वंश के बीच में मधुरता वापस आई। आई मेरे पास ये तो हुई इसकी बात, संघर्ष की बात, यानी इस वजह से दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था। अब आपको ध्यान रखना, यहां जो प्रश्न बनते हैं इंपोर्टेंट वो कौन से हैं? वो ये तो ये जा रहा कि जब पृथ्वीराज चौहान अजमेर में है तो गुजरात से कौन है? भीमदेव सेकंड। इसको ध्यान रखना, वजह क्या क्या थी, कारण क्या क्या थे दोनों के बीच में संघर्ष का, उनको ध्यान रखना है। और एक बार इसका दमन कब किया था? कब किया था? 1184 में दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। बाद में क्या हुआ? दोनों के बीच में संधि हुई थी। किसके मध्यस्थता से? जगदेव प्रतिहार की मध्यस्थता से, जो सेनापति प्लस प्रधानमंत्री हुआ करते थे। किसके? भीमदेव से। अब कुछ अलग कहानी है
यानी एक विशेष संघर्ष बच गया था, कौन सा? यानी मैं बात करूं कन्नौज का। आगे जो ये क्षेत्र यूपी में, पूरी राजस्थान के, राजस्थान में एक क्षेत्र पड़ता है यूपी में जिसका नाम है कन्नौज, और मैंने पहले बताया कि कन्नौज का शासक उस समय हुआ करता कौन? जयचंद गहलोत। सुनना मेरी बात को, थोड़ा सा समझना। यहां एक शासक का जिसका नाम है पाल पृथ्वी, और यहां एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है कन्नौज, और कन्नौज का जो शासक था वो कौन था? जय चंद गहलोत। ये देखो, कन्नौज का शासक वगैरह जयचंद गहलोत, यानी जब ये पृथ्वीराज चौहान यहां है तो यहां कौन है? जयचंद गहलोत है। सुनना मेरी बात, यानी इनके इनके बीच में युद्ध का कारण क्या रहा, संघर्ष की वजह क्या रही? सबसे पहले काम तो वही कि ये दोनों, ऐसा बताया जाता है कि दोनों मुसलमान भाई थे, क्योंकि सोमेश्वर की जो पत्नी थी कर्पूरी देवी, वो किसको माना जाता है? काकी माना जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये त्रिपुरी की थी, और कुछ इतिहासकार मानते हैं दिल्ली का एक शासक जिसका नाम था दिल्ली, और यहां का शासक था अनकपाल। उसकी दूसरी बेटी के साथ में हुआ होता कन्नौज के विजय चंद्र के साथ, बात समझे? इस वजह से इस जयचंद गहलोत के जो नाना रखते थे वो अनकपाल रखते थे, और इधर क्या हुआ था कि अनकपाल के कोई पुत्र न होने की वजह से पृथ्वीराज चौहान को अपना क्या बनाया था? वारिस यानी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, दिल्ली दे दी थी किसको? पृथ्वीराज चौहान। इस बात से नाराज हुआ था जयचंद गहलोत, क्योंकि ये दिल्ली का शासक बनने की फिराक में था कि नाना मेरे को दिल्ली सौंप के जाएगा, लेकिन उसने दे दी किसको? पृथ्वीराज चौहान। इस बात से नाराजी थी, और सास नाराजी होने की वजह से ये क्या बन बैठे थे, यानी दोनों के बीच में संघर्ष हो। एक तो वजह ये, और दूसरी वजह एक महत्वपूर्ण वजह आती है कि जयचंद ये कन्नौज का गहलोत वंश बड़ा शक्तिशाली हुआ करता था, आसपास के क्षेत्रों में बहुत शक्तिशाली था ये। दूसरा एक इतिहासकार है जिसका नाम है हसन निजामी, और इसी निजामी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है ताज उल मासी। इस ग्रंथ में अपनी एक बात कहता है, क्या कहता है कि जयचंद गहलोत पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय की, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा अपनाई गई दिग्विजय की नीति के विरुद्ध था। कैसे? यह कहता है कि जयचंद गहलोत पृथ्वीराज चौहान के सम्मान शासक बनने की चाह रखता था, क्योंकि तो पृथ्वीराज चौहान ने आसपास के क्षेत्रों को जैसे बंडालों को का दमन किया, किया ना 1182 में चंदेले को हराया, गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड को परास्त किया, तो यह भी सोच रहा था पृथ्वीराज चौहान के समान शासक बनने के। ये कारण बताता है वो किसको, किसने बताया ये? हसन निजामी ने कहा ताज उल मासरी अपने ग्रंथ में बताया। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि इस जयचंद गहलोत के एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था सहयोग। एक प्रश्न यहां जा रहा है, अभी आ रहा है यहां से, बहुत बार कई रेलवे में एसएससी में एग्जाम में पूछा जा रहा है कि सहयोगिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताओ। देखिए अभी आया था कुछ दिन पहले एक एग्जाम, सहयोगिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, इस सहयोगिता को जो अन्य नाम मिलते हैं वह है तो तिलोत्तमा, एक कहा जाता कांतिमती, एक कहा जाता संयुक्ता। ये सारे नाम किसके हैं? सहयोग। इसी सहयोगिता के जो पुत्री हुआ करती थी जयचंद गहलोत, इसको जाना जाता है इन नामों से, और ये प्रश्न पूछता ही रहता है कई बार, ध्यान रखना इनका। इसके बाद में बात करें, यानी ये वजह कैसे बनी दोनों के बीच में, गहलोत वंश और चौहान वंश के बीच में संघर्ष का कारण कैसे बनी, इसके पीछे एक कहानी है। हालांकि सारी कहानी ये कुछ इतिहासकार इसको काल्पनिक बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि सहयोगिता अपने गई थी ननिहाल, छुट्टियों वगैरह में जाते हैं बच्चे, ननिहाल गई थी, इधर पृथ्वीराज चौहान भी अपने ननिहाल गया हुआ था, यानी अनकपाल के घर गया हुआ, अनकपाल तोमर के घर गया हुआ था दिल्ली। अब ये पूरी घटना काल्पनिक है भाई, कुछ इतिहासकार इसको सत्य मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसको झूठा बताते हैं। अब ये गए हुए थे वहां, देखा संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को देखकर उस पर मोहित हो गई, क्या हुई? मोहित हो गई, मोहित होने की वजह से मनी मन इससे कर बैठी प्रेम। जब कारांतर में, अब संयोगिता तो
पृथ्वीराज चौहान के आगे पीछे ढूंढने लगे दिल्ली के अंदर। जब जयचंद गहरवाल को पता चला कि अपनी बेटी यानी पापा की पत्नी तो दिल्ली में दुर्घटना काट रही। इसके बाद में जयचंद गहरवाल कन्नौज से चला और अपनी बेटी को यहां से ले आया, वापस कहा कन्नौज गया, कहा ले आया कन्नौज, यानी अपनी बेटी संयुक्ता को कन्नौज वापस ले आया। पृथ्वीराज भी कहीं ना कहीं से प्रेम किया करता था, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। पृथ्वीराज कहता है कि जुदा होना इतना आसान होता तो जिस्म से रूह को लेने फरिश्ते नहीं आया करते। मतलब अपने शरीर से आत्मा को लेने यमराज नहीं आता कभी भी। अगर इतना आसान होता किसी से जुदा होना तो बोले ये तो वक्त बताएगा, और यहां ले आया। यहां लाकर जयचंद गहरवाल ने संयोगिता का विवाह करने के बहाने एक तो स्वयंवर रचाने की प्लानिंग करने लग गया। किसका? संयोगिता। आसपास के देश विदेश के बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया, और बुलाने के बाद में प्रमुख मकसद तो था क्या कि संयोगिता का विवाह करना, और उसके लिए उसने स्वयंवर रचाया। बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया, लेकिन न्योता नहीं भेजा तो किसको नहीं भेजा? पृथ्वीराज चौहान को नहीं भेजा। आसपास के सभी बड़े बड़े राजाओं को बुला लिया, लेकिन निमंत्रण नहीं भेजा गया। जिसको विवाह करना था उसी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। आज मेरे जो पृथ्वीराज चौहान है तो कन्नौज के गहरवाल वंश का एक राजा, इसका नाम था जयचंद गहरवाल। इसके बीच में संघर्ष की जो मेन वजह बताई गई थी वो बताया गया था जयचंद गहरवाल की पुत्री संयोगिता, जिसे हम तिलोत्तमा, कांतिमती और संयुक्ता के नाम से भी जानते हैं। एक बार हुआ क्या था, पिछले क्लास के अंदर चर्चा कर ली थी कि ये दोनों गए हुए थे कहां? दिल्ली। और दिल्ली में यानी अनक पाल तोमर के घर गए हुए थे दिल्ली में। संयोगिता भी वही थी और पृथ्वीराज चौहान भी वही गया हुआ था। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को देखकर इसमें मोहित थी और इसे विवाह करना चाहती थी। जब इसकी हरकतों के बारे में, संयोगिता की हरकतों के बारे में जयचंद गहरवाल को पता चला कि पापा की परी कुछ ज्यादा उड़ रही है वहां, क्योंकि जब भी ये इसको कॉल कर लगा था हालचाल पूछने के लिए, तब सामने से एक जवाब मिलता, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो दिल्ली में व्यस्त है। इस वजह से बाद में जब खोजबीन की गई जयचंद गहरवाल के द्वारा, पता चला तो या तो यहां दुर्घटना काट ली। इस वजह से इसको दिल्ली से वापस ले आया जयचंद गहरवाल कन्नौज, और पीछे पृथ्वीराज चौहान उदास। पृथ्वीराज चौहान मायूस हो गया और कह रहा, क्या कह रहा सुनो, क्यों कत्ल प्यार का कर गई मेरी जिंदगी सोनी कर गई। इसके बाद में संयोगिता ने रिप्लाई किया, और रिप्लाई करते हुए कहा, क्या कहा कि कोई वादा नहीं फिर भी इंतजार है, जुदाई के बावजूद भी तुमसे प्यार है, कि कोई वादा नहीं फिर भी इंतजार है, जुदाई के बावजूद भी तुमसे प्यार है, तेरे चेहरे की मायूसी दे रही है गवाही कि मुझसे बिछड़कर तू भी बेकरार। और इसके बाद में खुद पृथ्वीराज चौहान लौट आया अजमेर। जस्ट बाद में जयचंद गहरवाल जब इसको कन्नौज ले आया तो इसने आनंद फानंद में एक बहाना बनाया संयोगिता का विवाह करने का, और अपने कन्नौज क्षेत्र में एक यज्ञ का आयोजन रखा। यज्ञ करना तो एक बहाना था, मेन उद्देश्य था इसके हाथ पीले करना। निकल को बदनामी करवा के छोड़ेगी, बोले संयोगिता मेरी नाक कटा के छोड़ेगी संयोगिता, इससे पहले इसका ही यहां से इसको 9-11 करो विवाह करके। इसलिए इसने इसका रख दिया यज्ञ के बहाने, इसका रख दिया स्वयं, और स्वयंवर के लिए देश विदेश के बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। किसके द्वारा? जयचंद गहरवाल। अब बड़े बड़े आसपास के राजा तो बुला लिए गए, लेकिन जिसको विवाह करना था या जिससे विवाह करना था संयोगिता को, उसको ही निमंत्रण नहीं भेजा। पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक, जिसको निमंत्रण नहीं मिला स्वयंवर का। जब स्वयंवर चला गया तो देश विदेश के बड़े बड़े राजा आए थे, उनमें नहीं था तो कौन नहीं था? पृथ्वीराज चौहान। सारी तैयारियां पूर्ण करने के बाद जैसे ही स्वयंवर की तैयारी शुरू हुई, संयोगिता माला लेकर, अब स्वयंवर में होता क्या है कि जो जितने राजा आते हैं बड़े बड़े वो एक कतार में खड़े होते हैं, और खड़े होने के बाद में जिसको अपना स्वयंवर चुनना है वो लड़की राउंड में एक एक को देख देखकर माला हाथ में लिए हुए देखियो, जिसके गले में वो माला डालती है वही उसका क्या होता है? भावी
पति हुआ करता है, यानी सहमर हुआ करता है। अब संयोगिता एक कोने से चलना स्टार्ट किया और एक एक राजा को देखती गई, एक एक राजा को देखती गई और देखते देखते बोले मुंडी से सकल के कहा आ गया था, बोले यही पसंद नहीं है, यही पसंद नहीं। लास्ट में ग्राउंड कार कर देखा तो वहां पृथ्वीराज चौहान को नजर नहीं आए, लेकिन जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए पृथ्वीराज चौहान की आदमकद मूर्ति एक दरवाजे पर द्वारपाल के रूम में लगा दी थी, यानी उसके आकार की मूर्ति, आदमकद मूर्ति उसके द्वारपाल पर खड़ी कर रखी थी। नजर पड़ी संयोगिता की और उस मूर्ति पर जाकर माला पहना दी। बाकी सभी राजाओं किसी ने माला नहीं डाली, जो जीवित खड़े थे उनके तो माला डाली नहीं, और जो मूर्ति बनी पड़ी थी पृथ्वीराज चौहान जो द्वारपाल पर खड़ी थी उस पर जाकर माला डाली और कह रही है क्या कि मैंने तुम्हें चुन लिया तू भी मुझे चुन, सुन साहिबा सुन प्यार की, मैंने तुम्हें चुन लिया तू भी मुझे चुन, सुन साहिबा सुन प्यार की। और इसके पास जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता चला कि संयोगिता ने तुम्हारी मूर्ति पे यानी तुम्हें चुना है अपना भावी स्वयंवर, पृथ्वीराज चौहान सेना लेकर गया, कुछ सैनिकों के साथ में गया एक साधु के वेश में, और स्वयंवर से ही वहीं पर कन्नौज में पहुंचकर जहां स्वयंवर चला रहा था वहां से संयोगिता को उठाकर घोड़े पर बैठा कर ले आया। मैं तुझको बगा लाया तेरे बाप के डर से, तेरे बाप, और सीधा कहां से कन्नौज से लाकर कहां ले आया अजमेर, और पीछे जयचंद गहड़वाल कुछ सैनिकों के द्वारा पीछा भी करवाया, लेकिन तब तक तो परिंदा परी को लेकर उड़ चुका अजमेर पहुंच चुका था। बाद में जयचंद गहड़वाल कह रहा क्या कि हमें तो हमारी बिटिया ने डुबोया औरों में कहां दम था, हमें तो हमारी बिटिया ने डुबोया औरों में कहां दम था, हमारा साम्राज्य उसने लूटा जिसमें दम ही कम था, और हमेशा हमेशा के लिए संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान अपनी क्या बना ली, उसने पत्नी बना चुका, ऐसा कहा जाता है। यानी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के कुल पत्नियों यानी 13 पत्नी बताई जाती है पृथ्वीराज चौहान की, उनमें से एक थी जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता, कुल 13 पत्नियां बताई जाती है पृथ्वीराज चौहान के, उनमें से एक थी संयोगिता जिसे हम तिलोत्तमा कांतितमा और संयोगिता के नाम से भी जानते हैं। अब क्या हुआ, यह थी आपस के वैरभाव यानी कन्नौज के साथ दुश्मनी साथ के कारण थे प्रमुख, और सबसे ज्यादा जो तत्कालीन कारण माना गया वो था संयोगिता वाला, कि कन्नौज के साथ चौहानों का जो संघर्ष के पीछे जो रीजन था मेन वो माना गया संयोगिता का, जो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया गंधर्व विवाह। वो तो क्या बताइए, ग्यारहवां कई बार पूछा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के साथ कौन सा विवाह किया था, वो इसका मतलब कौन सा विवाह किया, भगाकर लेकर जाने वाले विवाह को कहा जाता है गंधर्व, गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह किया था, गंधर्व विवाह किया था संयोग के साथ पृथ्वीराज चौहान। ये कुछ इसकी रीजन थे, आसपास की राजनीतिक स्थिति थी, उसके बाद में चर्चा करें अपन आगे। आगे देखो, अब उसी समय क्या था कि इतना तो वेरवा बढ़ गया था, उसी समय एक तुर्क शासक जिसका नाम है याती दिल्ली लगभग, और इधर पड़ता है एक क्षेत्र जिसका नाम है गजनी, आमिर खान गजनी वाला याद है क्या, हाँ। यहां जब पृथ्वीराज है तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दौरान गजनी एक तुर्क यानी तुर्क संघर्ष की शुरुआत हुई थी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, कैसे हुई क्या हुई देखना एक बार। गजनी का शासक था गयासुद्दीन दीन गोरी, इस गोरी ने 1173 में मोहम्मद गोरी को गजनी का शासक नियुक्त कर दिया। 1173 में गयासुद्दीन गोरी ने मोहम्मद गोरी को गजनी का शासक नियुक्त कर दिया। अब क्या था, मोहम्मद गोरी थोड़ा सा विस्तारवादी नीति का पक्षधर था, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखता था ये मोहम्मद गोरी, और इसने सबसे पहले शासक बनने के बाद में जो अटैक किया मोहम्मद गोरी ने, वो अटैक किया था जहां इसका बहुत इंपोर्टेंट है, ये कई बार आता है, यानी मोहम्मद गोरी ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत सबसे पहला अटैक किया था, वो किया था मुल्तान, और इस मुल्तान पर जिन पर इसने अटैक किया वो किया कभी, यानी 1175 में किया था मुल्तान पर अटैक मोहम्मद गोरी ने। और यहां जो एक जाति रहा करती थी जो थी कर्माथी, इसका ध्यान रखना कर्माथी जाति, इस जाति के कुछ सिया मुसलमान इन पे अटैक किया था किसने, मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम 1175, और मुल्तान पर क्या कर ली थी इसने जीत दर्ज की थी, इनको परास्त कर 1175 में अपनी विस्तारवादी नीति के तहत मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अपना अधिकार जमाया सबसे पहले।
ठीक मेरी बात। इसके बाद बात आगे, यानी मुल्तान पर अधिकार होने के बाद में मोहम्मद गौरी के हौसले थोड़े और बुलंद हो गए और इसने यहां अपने गुजरात और गुजरात का उस समय शासक था लगभग भीमदेव सेकंड तो गुजरात का शासक था, गजनी से चला मोहम्मद गौरी और भीमदेव सेकंड पर अटैक बोल दिया। दोनों के बीच में सिरोही में एक क्षेत्र पड़ता जिसका नाम है आबू। आबू में दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ 1178 में। किस किसके बीच में? यानी भीमदेव सेकंड वर्सेज गौरी, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1178 में और गौरी इस युद्ध में परास्त हो हार जाएगी। अगर आपसे पूछे मोहम्मद गौरी की भारत में पराजय किस युद्ध में हुई थी, प्रथम पराजय किस युद्ध में हुई थी? दारनाथ प्रथम पराजय गौरी की गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड से हुई थी। इस चीज का ध्यान रखना भाई, 1178। आगे बात करें, यहां से परास्त होने के बाद में रुकने वाला थोड़ी था, कुछ समय पश्चात मोहम्मद गौरी ने अपने विस्तारवादी नीति के तहत फिर अटैक करना शुरू किया। यानी भारत की इसका प्रमुख उद्देश्य था दिल्ली पर, यानी गजनी के शासक दिल्ली पर अधिकार करना, यानी संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमाना। मोहम्मद गौरी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी संपूर्ण भारत को अपने अंडर में लेना, अपने अधिकार क्षेत्र में लेना, वो राज करना था संपूर्ण क्षेत्र पर, विस्तारवादी नीति का प्रतिपादन था। इसने क्या किया, दिल्ली पर अधिकार करने के लिए गुजरात में तो हार गए, प्रथम पराजय हुई इसकी, लेकिन इसने क्या किया कुछ समय पश्चात सबसे पहले तो लाहौर और उसके बाद सियालकोट इन दोनों क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे बढ़ा आगे, क्योंकि इसको जाना था दिल्ली, यानी दिल्ली पे अधिकार। सियालकोट और लाहौर पर अधिकार करने के बाद में एक क्षेत्र पड़ता है पंजाब में जिसका नाम है, मैं थोड़ा सा इसको आगे ले लेता हूं, यानी एक क्षेत्र है जिसका नाम है बठिंडा। इसी बठिंडा को कहते हैं अपन सरहिंद, इसे ही कहते हैं तवरे हिंद, यानी सरहिंद और तवरे हिंद पर अधिकार किया किसने? मोहम्मद गौरी ने। बठिंडा क्षेत्र में बने यानी बठिंडा दुर्ग पर अधिकार कर लिया किसने? मोहम्मद गौरी ने, गजनी के शासक मोहम्मद गौरी ने। जो बठिंडा दुर्ग हुआ करता था इस पे अधिकार था पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान के अधिकार क्षेत्र में था यह पंजाब वाला बठिंडा दुर्ग। बात पता चली पृथ्वीराज चौहान की, कोई गजनी का शासक है मोहम्मद गौरी नाम का, उसने हमारे क्षेत्र बठिंडा पर अधिकार जमाया। धीरे धीरे बठिंडा से आगे बढ़ा कौन, यानी मैं यूं कहूं बठिंडा क्षेत्र से आगे बढ़ा पृथ्वीराज सॉरी मोहम्मद गौरी। दिल्ली जाना था, दिल्ली पे अधिकार जमाना था, तभी संपूर्ण भारत का मालिक बनेगा ना। अब इसने बठिंडा पर अधिकार करने के बाद धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ा, बात पता चली पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान सेना लेकर रवाना हुआ अजमेर से और पहुंच गया कहां, बठिंडा दुर्ग से कुछ दूरी पर, यानी दिल्ली और बठिंडा के मध्य एक क्षेत्र, यानी हरियाणा वाला एक क्षेत्र था, हरियाणा में एक हरियाणा में क्षेत्र पड़ता थानेश्वर और हरियाणा में क्षेत्र पड़ता हरियाणा और थानेश्वर के मध्य में भाग में स्थित है करनाल। इस करनाल क्षेत्र के अंतर्गत एक मैदान पड़ता है जिसका नाम है तराई। कई बार पूछा प्रश्न है तराई का क्षेत्र कहां स्थित है, करनाल हरियाणा, हरियाणा का जिला करनाल और करनाल क्षेत्र पड़ता क्या तराई का मैदान। सुनना मेरी बात, जब बात पता चली थी पृथ्वीराज चौहान को तो रोकने पहुंचा, विरोध करने पहुंचा मोहम्मद गौरी का और दोनों के बीच में मुठभेड़ हो गई, कहा तराई के मैदान। बोले आप कहां जा रहे हो, इधर पहले इधर तो देख लो एक बार, और दूसरी बात जब बठिंडा पर अधिकार किया था मोहम्मद गौरी ने तो अपना एक प्रशासक नियुक्त किया था यहां बठिंडा पर मोहम्मद गौरी ने, जिसका नाम था काजी जियाउद्दीन। इसको अपना प्रशासक नियुक्त किया था किसने? प्रशासक किसने? मोहम्मद गौरी। बठिंडा पर अधिकार कर 1178 में और यहां पर क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया किसने? और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद में जब बात पता चली कि हमारे क्षेत्र बठिंडा पर दुर्ग पर अधिकार कर लिया किसने? मोहम्मद गौरी ने, और वहां का प्रशासक बना रखा है काजी जियाउद्दीन। इसके बाद सेना लेकर रवाना हुआ, दोनों के बीच में त्राइन के मैदान के अंतर्गत युद्ध हुआ और यह युद्ध हुआ था कभी 1111, जिसे हम त्राइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। कब हुआ प्रथम युद्ध? 1111 के प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति हुआ करते थे, एक था कौन? खांडेराव
और इसके साथ में क्योंकि दिल्ली भी किसके अधिकार क्षेत्र में, पृथ्वीराज चौहान के, दिल्ली का एक गवर्नर था जिसका नाम था गोविंद राय, राज नहीं है गोविंद राय है, ये गोविंद राज तो इसका खुद का बेटा है, गोविंद राय जो गवर्नर हुआ करता दिल्ली का, वो भी साथ गए थे। तराइन के प्रथम युद्ध में जब युद्ध लड़ा जा रहा था, इस गोविंद राय ने यानी मोहम्मद गोरी ने एक गोविंद राय की तरफ एक बाला फेंका था, उस बाले से जख्मी हो गया गोविंद राय, सामने के दो तार टूट गए गोविंद राय के, प्रत्युत्तर में गोविंद राय ने भी अपना बाला फेंका और फेंकने के बाद में उस बाले से जख्मी हो गया मोहम्मद गोरी और मैदान छोड़कर भाग गया, कहा वापस बैक टू रिवर्स गियर में चल पड़ा गोरी गजनी की ओर, क्योंकि घायल हो चुका था, कौन किसके वाले से, गोविंद राय के भाले से घायल हो चुका था, जबकि घायल को अपना गोविंद राय भी हुआ था, उसके सामने के दो दांत टूट चुके। इस प्रकार से पृथ्वीराज त्राइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, विजय हुई, और इसने पृथ्वीराज चौहान ने बठिंडा दुर्ग पर अपना पुनः अधिकार जमा लिया, और जो प्रशासक नियुक्त किया गया था काजी जियाउद्दीन बरबरनी को, इसको घोड़े पे बैठा कर वापस कहा लिया अजमेर लिया। काजी जियाउद्दीन बरनी जो प्रशासक बना बैठा था कहा बठिंडा का, उसको उठाया वहां से घोड़े पे बैठाया और अजमेर लिया अपने साथ पृथ्वीराज चौहान आई मेरे पास ने, और ऐसा माना कहा जाता है काजी जियाउद्दीन बरनी को छोड़ने के बदले पृथ्वीराज चौहान ने कुछ धन लिया था, उसके बाद में इसको रिहा किया था काजी जियाउद्दीन को। तो प्रथम युद्ध का जा रहा था, प्रश्न क्या जा रहे त्राइन का पहला युद्ध कब हुआ, 1191 त्राइन का मैदान कहां पड़ता है, तो जा रहा करनाल हरियाणा, ये कई बार पूछा गया है त्राइन का मैदान कहां स्थित है, राज्य पूछे तो हरियाणा, जिला पूछे तो करनाल, यानी करनाल तो हरियाणा में स्थित है, करनाल और थानेश्वर के मध्य में एक मैदान स्थित है, त्राइन का मैदान कहा जाता है, समझ गए ना, इसका ध्यान रखना। और बठिंडा का प्रशासन किसने नियुक्त किया था, काजी जियाउद्दीन, ठीक है ना। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था, तो ध्यान रखना बठिंडा, कौन सा दुर्ग, बठिंडा दुर्ग ही इसके बीच में प्रमुख कारण था, ठीक है ना, बाकी बात करेंगे बाद में।